9 महीने मैंने जॉब की है, नोएडा थी मेरी जो जॉब थी, सुबह से लेके रात तक, मतलब 12-12 घंटे की, 2 मिनट के लिए भी इधर नहीं देख सकते, आपको पूरा टाइम देखना पड़ता। फिर मुझे पता चला कि इसमें ना कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी मेरे को, बस आप देख ही जा रहे हो, जैसे एक चौकीदार होता है बस बैठ के देख रहा है। जॉब या तो ऐसी हो ना कि आपको इंटरेस्ट हो उस चीज़ में, घर वालों से बात की कि इसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, अगर कुछ करना है आगे फिर मेरे को या तो अपने उस पर पूरा टाइम लगाने दो। मैंने एक मेड अप स्टोरी बताई थी उस टाइम पे, वहाँ पे ना साउथ के लोग थे, मैं कह मैं ना पिंड में रहता हूँ, आई लिव इन विलेज, एंड वहाँ पे हमारे ना गाय भैंसे होते हैं और उनको संभालना पड़ता है और हमारी ज़मीन किसी ने ले ली, हमको रोज़ कोर्ट जाना पड़ता है अपनी ज़मीन के लिए, हमारे तो रोजी रोटी इसी पर चलती है, ऐसी स्टोरी बता दी। अगर मैं जी मेल खोल देता हूँ तो उसमें भी हर दूसरा मेल यही होता है, भाई फ़ोन दे दो मेरे को, ये मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। हमने आईफोन का गिव अवे रखा था कुछ टाइम पहले, मेरा मतलब मेल बॉक्स उस टाइम भरा रहता था, हर दो मिनट बाद एक मेल आ रहा है, हर 2 मिनट बाद मेल आ रहा है। गिव अवे के टाइम पे आप मानोगे नहीं, मेरे को तो चलो मैसेजेस आ ही रहे हैं जो आ रहे हैं, इन सबको प्लस मेरे जितने मेरे से रिलेटेड लोगों को दिखते हैं कि भाई इसकी स्टोरी में कोई आ गया, इसका कोई दोस्त है, कोई फैमिली है, कुछ भी है, सबको मैसेजेस भेज रहे हो। दोस्तों भाई टेक वाले क्रिएटर्स बहुत सारे हैं, हाँ जी, लेकिन आप जिस तरीके से टेक में कॉमेडी का तड़का लगा के चीज़ें बनाते हो ना, मज़ा आ जाता है। थैंक यू भाई, और वही चीज़ मैं आपकी वीडियोस में भी देखता हूँ, मतलब जैसे आउटडोर शूट्स होते हैं ना, मेरे को बड़े मस्त लगते हैं आपके। शुक्रिया जी। तो वैसे क्या, अगर आप इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाते हो ना, आपने ये भाई की वीडियो ज़रूर देखी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस बनाते हैं, टेक प्लस कॉमेडी होती है बीच में। तो वेलकम टेकीला भाई। थैंक यू जी, थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट में आने। तो पहले आप अपना नाम वगैरह बताइए। तो गाइज मेरा नाम है जय अरोड़ा, चैनल का नाम है टेकीला, टेकीला शॉर्ट्स है यूट्यूब पे और टेकीला है इंस्टाग्राम पे। मैं हूँ बठिंडा से, बठिंडा पंजाब से हूँ मैं, बहुत लोगों को पता नहीं है बात, बट मैं बठिंडा से हूँ, पंजाबी हूँ मैं, और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं दिल्ली या मुंबई रहता हूँ। मेरे को जब यहाँ पे लोग मिलते हैं तो मुझे पूछते हैं कि भाई मेरे को लगता है कि आप कहीं दिल्ली मुंबई से रहते हो, आप तो यही पे हमारे लोकल ही हो। मैंने ना लॉकडाउन में पहली बार आपकी वीडियोस देखी, मुझे ये लगा था, मैंने कहा यार ये भाई लगता है दिल्ली या मुंबई से होंगे। फिर आप एक दिन एक रील या स्टोरी डाली थी आपने, उसके अंदर आपके ना मैप की लोकेशन थी, उसके अंदर बठिंडा दिखा रहा था, मैंने कहा यार अच्छा मैप के अंदर बठिंडा दिखा रहा है। फिर मैंने आपसे डीएम करा, आपने बोला मैं बठिंडा से, अच्छा यार मैं क्या बंदा लगता नहीं, बंदा पंजाब का है, पंजाबी बोल लेते हो। पंजाबी में बोल लेना, बट वैसे मैं यूजली कभी दस्या नहीं स्टोरीज थे बहुत, एक अधिक बार कभी दस्या मैं पंजाब तो हूँ या बठिंडा तो हूँ, हूँ वीडियोज वगैरह देख के पता लगन लग गया, जिवे घर दे नेड़े शूट कर लिया या स्टूडियो के बाहर शूट कर लिया, तो लोग लोकेशन देख के समझ जाते हैं। तो लोग आपसे पूछते होंगे यार आप बठिंडा कब आए। मेरे को बहुत डीएम आते हैं, हमने वहाँ शूट किया था ना, यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट है, वहाँ पे जाके हमने क्रिसमस का कुछ शूट किया था, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने स्टोरी पर रिप्लाई किया भाई आप बठिंडा आपने बताया नहीं, तो उनको लग रहा है मैं यहाँ पे विजिट किया स्पेशली। अच्छा आप बताओ आप पहले आए हो यहाँ पे। बठिंडा में एक बार ही आया था। अच्छा बहुत टाइम पहले, आई थिंक कुछ 10-12 साल पहले। अच्छा ये यहाँ नहीं, बठिंडा से आगे मलोट कोई जगह है, हाँ जी वहाँ पर शूट करने आए थे हम। बठिंडा का नाम है द सिटी ऑफ लेक्स, यहाँ पे 3 लेक्स है। ओके बोटिंग भी होती है। ओह चंडीगढ़ वाली फीलिंग। तो वैसे आपने अगर स्टडी की बात करें, आपने स्टडी कौन सी की है, क्या स्टडी करा आपने। मैंने की है बीटेक की है मैंने सीजीसी लांड्रा से, तो वहाँ पे मैंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की हुई है, तो ये चैनल वगैरह वहीं से स्टार्ट कर दिया। अच्छा कॉलेज के टाइम पे आपने चैनल स्टार्ट कर दिया था। मेरे अंदर ना टेक का कीड़ा था बहुत टाइम, मतलब स्टार्टिंग से ही कि टेक तो अंदर था ही, बट मेरे को कैमरा के ऊपर बोलने का बिल्कुल शौक नहीं था, मतलब मेरे को ना आदत थी ना मैंने कभी स्टेज पे कुछ परफॉर्म किया स्कूल में भी, तो मैंने कभी ये सब चीज़ें की नहीं थी क्योंकि टेक अंदर भरा हुआ था, तो मुझे था इस चीज़ को बाहर तो निकालना है किसी तरह से। ठीक है प्लेसमेंट लेनी थी, बट मेरे को ये था कि मैंने करना तो कुछ टेक रिलेटेड ही है। 1 महीना लिया मैंने सोचने पे कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लोग क्या सोचेंगे, ये सब चीज़ें 1 महीना सोची मैंने, मैं देखा जाएगा। फिर मैंने 19 दिसंबर को, शायद 19 दिसंबर ही थी, सुबह 3 बजे अपनी पहली वीडियो अपलोड कर दी। फिर वीडियोज़ डालता गया, पहले तो लॉन्ग वीडियो से स्टार्ट किया, रील्स वगैरह तो बाद में आई है, मतलब शॉर्ट वीडियोज़ ना बोलने को शॉर्ट है, बट हमारे जो टाइम लगता है ना शॉर्ट वीडियोस में वो लॉन्ग जितना लग जाता है उतना ही लग जाता है, पूरी स्क्रिप्टिंग वगैरह करते होगे फिर शूट करते जाते होगे। लॉन्ग वीडियो में क्या प्रॉपर स्क्रिप्टिंग नहीं करते, इसमें तो आपको एक एक वर्ड की स्क्रिप्टिंग करनी है क्योंकि इसमें रिटेंशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि बंदे ने सिर्फ ऊपर स्क्रॉल करना है, ऊपर कर देना है, एक भी चीज ऊपर नीचे होगी वीडियो ऊपर गई तो आपको एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। राइट, मतलब हम एडिटिंग में भी ना हम ऐसे करते हैं कि इतना सा एक आधे सेकंड का भी बीच में गैप नहीं आए। अभी अगर आप टाइमलाइन देखोगे ना जो हमारी शॉर्ट वीडियो की होती है वो भी ऐसे भरी होती है पूरी। आपने वो स्टोरीज वगैरह में दिखाते होते कई बार, हाँ जी 30 सेकंड की शॉर्ट हमारी रील है लेकिन उसमें कट्स कितने लगे हुए हैं, तो वही जैसे लोग कहते हैं कि भाई ये तो 1 मिनट की वीडियो है इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट वो भी आसान है बनाने को, तो आप बना दो, आप सामने कैमरा रखो और 1 मिनट में बैठ के बना दो, बट अगर आपको कुछ अलग करना है डिफरेंट करना है
फिर टाइम तो लगता है। पता है अगर आप एफर्ट लगाते हो ना तो व्यूअर के माइंड में ना सबकॉन्शियसली वो चीज़ दिखती है उसको। टेबल पे बैठ के वीडियो बनाओगे, यहीं पे टेबल चेयर पे बैठ के बनाओगे, वर्सेस अगर आप आउटडोर में जाके शूट करोगे, या फिर अगर आप ग्रीन स्क्रीन पे करोगे वर्सेस आप असली में आउटडोर जाके करोगे, उन चीज़ों का ना फर्क सबकॉन्शियसली पता चल जाता है कि भाई एफर्ट लगा हुआ है वीडियो पे, फिर कहीं ना कहीं बंदे कनेक्शन बन गए। आपने अच्छी बात करी, सबकॉन्शियसली लोगों को पता लगता है, लेकिन शायद सामने देख के नहीं पता लगता होगा, लेकिन उनके माइंड में वो चीज़ फीड होती रहती है यार कुछ तो है इसमें। तो पहले वैसे आपने कभी जॉब वगैरह भी करी है कि सीधा कॉलेज के बाद आप सीधा यूट्यूब पर ही आ गए? नहीं, जॉब मैंने किया है, नोएडा थी मेरी जो जॉब थी। ओके, ठीक है, बट वो वर्क फ्रॉम होम था, कोविड के बाद ये वाला सीन था। 9 महीने मैंने जॉब किया है। मैं जो जॉब कर रहा था ना वो ऐसे थी कि आपको पूरा टाइम सुबह से लेके रात तक, मतलब 12-12 घंटे की शिफ्ट होती थी, और वो भी ऐसे कि ये नहीं कि आप कर रहे हो बीच में आप चले गए, वो मॉनिटरिंग होती थी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर था जो मेरा काम था, तो आपको डेटाबेस डीबीए, तो वो वही डीबीए था मैं, तो उस टाइम पे आपको बैंक्स के डेटाबेस और ये सब चीजें मॉनिटर करने पड़ते थे कि अगर कहीं फुल हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप 2 मिनट के लिए भी इधर नहीं देख सकते, आपको पूरा टाइम देखना पड़ता था, ऐसी जॉब थी वो। फिर मुझे पता चला कि इसमें ना कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी मेरे को, बस आप देख ही जा रहे हो, जैसे एक चौकीदार होता है ना, बस बैठ के देख रहा है। जॉब या तो ऐसी हो ना कि आपको इंटरेस्ट हो उस चीज में, घर वालों से बात की कि इसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, अगर कुछ करना है आगे फिर मेरे को या तो अपने उस पर पूरा टाइम लगाने दो, एक्सपेरिमेंट है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा। तो फिर घर वालों ने थोड़ा, पहले उनको तो लगा कि एकदम से कैसे छोड़ के इसमें जाना है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तब मेरा चैनल कोई ग्रो नहीं हुआ था, ऐसी स्टेज थी। एफर्ट पुट इन करके देखोगे, ठीक है, सब अपना टाइम वगैरह इन्वेस्ट करोगे, हो सकता है चल जाए, हो सकता है ना चले, 5,000 भी शायद पूरे नहीं हुए थे, ऐसे ये स्टेज थी। इंस्टाग्राम पे तो थे 3-4 हज़ार बस। तो ये स्टेज तो तगड़ा रिस्क था भाई, रिस्क था पूरा उस टाइम पे। मेरे को भी डाउट था, बट मेरे को था कुछ ना कुछ तो मैं कर लूंगा, घर वालों से डिस्कस किया थोड़ा सा, तो आपको करना ही पड़ेगा विश्वास। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो कुछ ऐसा लगता कर ले। बस फिर मैंने अगले ही दिन फोन कर दिया कि भाई मेरे तो कोई प्रॉब्लम होगी, मैं नहीं आ रहा। मैंने एक मेड अप स्टोरी बताई थी उस टाइम पे, स्टोरी तब से चल रही है, अभी आपकी वीडियो तो भी वो स्टोरी लाइन प्रॉपर होती है। वहाँ पे ना साउथ के लोग थे, अच्छा, जिनके साथ होता था वो साउथ के लोग होते थे, तो मैंने उनको स्टोरी बताई। मैं क्या, मैं ना पिंड में रहता हूँ, आई लिव इन विलेज, एंड वहाँ पे हमारे ना गाय भैंसे होते और उनको संभालना पड़ता है, और हमारी जमीन किसी ने ले ली, ऐसी स्टोरी बता दी मैंने, और अब हमको रोज कोर्ट जाना पड़ता है अपनी जमीन के लिए। और फिर वो कहते हैं यार आपका तो बहुत, मैं कि हम, हमारे तो रोजी रोटी इसी पे चलती है, ऐसी स्टोरी बता दी। ओ भाई साहब, फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तो कोई है नहीं, अब तो कुछ क्या ही कर सकते हैं, अगर आपकी फैमिली इस पे चल रही है तो आपको ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, कल से ना मैंने, कल से अगले दिन से मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दी। क्या बात है, स्टोरियाँ तब से चल रही हैं। अभी तभी हर वीडियो के अंदर एक स्टोरी होती है ना, मैं वहाँ पर घूमने गया, चिड़िया ने कुछ फेंका, उसके अंदर से आइडिया निकल गया, तो एक स्टोरी है। वही तो, अब वही है ना कि अगर आप नॉर्मल बैठ के बताते रहोगे तो लोगों को लगता है ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। हमारा काम है ज्ञान के साथ रिलेटेबल चीज़ें बनाना थोड़ी, कि कुछ तो अलग हो वीडियो में, तभी मज़ा आता, खुद को मज़ा आएगा फिर ही लोगों को मज़ा आएगा। हाँ जी, आपकी वीडियोज में भी तो यही होता है, सब्जी वाले सीन होते हैं, कभी कुछ होता है, आउटडोर वाली चीज़ें। हाँ, आउटडोर वाली चीज़ें मस्त होती हैं। तो जब आपने स्टार्टिंग करी थी ये यूट्यूब चैनल की, सोशल मीडिया की जर्नी की आपने जब स्टार्टिंग करी, तो कितनी इन्वेस्टमेंट आपने करी थी? क्योंकि अगर बिगिनर्स बहुत लोग होते हैं जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, उनके वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, बजट नहीं, हम कैसे स्टार्ट करें? दो चीज़ें हैं, या तो आप मनी इन्वेस्ट कर दो या आप टाइम इन्वेस्ट कर दो। ओके, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप टाइम इन्वेस्ट कर दो, सिंपल सी चीज़ है। एक वीडियो बना रहे हैं, उसको हमने एडिट करना है, वो तो एक फ़ोन पर भी जाएगी, वो एक लैपटॉप पर भी जाएगी। बस ये है कि अगर आप लैपटॉप लोगे, अच्छा लैपटॉप लोगे, तो उस पर उतनी जल्दी फ्लो होगा, है ना। तो अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपका टाइम कम हो जाएगा, अगर आपके पास टाइम है वैसे भी हो जाएगा काम तो इजीली इनशॉट में या किसी ऐप में भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बस ये है कि आपको उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और तो आपने भी स्टार्टिंग आई थिंक इनशॉट ऐप से एडिटिंग से करी थी? मैंने लॉन्ग वीडियोज स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोज मैंने किए हैं, कौन सा होता था वो सॉफ्टवेयर, ये पावर डायरेक्टर से, जो बिल्कुल स्टार्टिंग के वीडियोस, जो लॉन्ग वीडियोस थे। ओके, फिर मैंने ले लिया था मैकबुक एयर। ओके, ठीक है, जिस पे आई मूवी पे किए हैं मैंने कुछ वीडियोस। ओके, 5-6 महीने मैंने आई मूवी चलाया, फिर मैं शिफ्ट हो गया फाइनल कट पे उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को तब ये पता चला था कि फाइनल कट एक इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर है और उस पे ऐसे एडिटिंग होती होती है, तो मैंने कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ करके उसको कर लिया था फ्री में। अच्छा, फाइनल कट को तब मैं कॉलेज में होता था। ओके, और फिर हमने बस, फिर मैंने फाइनल कट पे काफ़ी टाइम तक किया लॉन्ग वीडियोस वगैरह। जो शॉर्ट्स थे वो मैंने इन शॉर्ट पे कर दिए जब स्टार्ट किया, जो शॉर्ट्स और रील्स हैं वो मैंने इन शॉर्ट पे स्टार्ट किए, और मैंने एक साल
आप ये मान लो इन शॉर्ट पर ही एडिटिंग की है, इन शॉर्ट पर ही मैंने बहुत सारे अपने बनाए शॉर्ट्स। उसके बाद फिर धीरे धीरे टीम हुई तो फिर हमने फाइनल कट पे शिफ्ट करके अब फाइनल कट पे होती है सब एडिटिंग। ओके गुड, हमारी भी फैसला फाइनल कट पे हो रही है। फाइनल कट पे आपकी? फाइनल कट ही है, कभी कभार बीच में आफ्टर इफेक्ट्स का यूज हो जाता है। अच्छा, लेकिन मेन 95% फाइनल कट प्रो। आपको प्रीमियर प्रो इजी लगता है फाइनल कट? फाइनल कट इजी है। और वैसे काम कौन सा बेटर लगता है आपको सॉफ्टवेयर? फाइनल कट ही है ना, क्योंकि यूज ही वो करा हुआ है शुरू से इतने सालों से। अच्छा, तो एक प्यार होता है ना, बस वो फाइनल कट से प्यार है, मतलब कंप्यूटर ऑन करा पहले फाइनल कट ही ओपन करना है। ये पट्टी है ना, ये पहले उस पे करता होता था, इस पे प्रीमियर प्रो पे। अच्छा, पहले प्रीमियर प्रो वाले थे, फिर यहाँ पे आके शिफ्ट करवा दिया। शिफ्ट कर दिया हमने, पहले तो इनशॉट जब भी आया था ना तब तो इनशॉट भी था ना? नहीं, इन शॉर्ट पे थी, बाद में एक दो वीडियोस के बाद फाइनल कट पे शिफ्ट हुए थे। भूल गया तू? तो जब सोशल मीडिया पे आप आए थे, नए नए आए, तो दोस्तों का या रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था, भाई क्या कर रहा है, जॉब क्यों छोड़ दी है, ऐसा भी कुछ था? ऑनेस्टली बताऊं तो मोस्टली जो चीज़ें थी ना वो अच्छी थी। okay. मतलब अच्छे लोग थे सारे आसपास, जो दोस्त थे वो भी सपोर्ट करने वाले थे मोस्टली। फिर तो बढ़िया हो गया। ठीक है, और फैमिली ने भी सपोर्ट ही किया। कुछ कुछ बीच में उतने के लिए आता है कि भाई ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती, वो बहुत कम थे ऐसे लोग, तो उनकी मैं सुनता भी नहीं था। मैं तो जो मुझे अच्छा लगता है। तो उनको भी कोई ना कोई कहानी बना के सुना दोगे गाय भैंसों वाली? वो अब वो खुद ही बोलते हैं कि भाई, अब खुद मेरे को बोलते हैं कि देख उसने मेरे को बताया कि ये बंदे की वीडियो देखा कर, फिर वो बताता है कि ये तो मेरा दोस्त है। वो चीज़ें अपने आप ही अब चेंज हो जाती है। फिर वो वही बंदे होते हैं लेकिन उनकी वो बातें चेंज हो जाती हैं। हाँ जी। तो अगर आज के टाइम पे किसी को टेक चैनल शुरू करना हो तो कोई तीन टिप्स आप उनको बताना चाहें? सबसे पहले तो देखो, टेक चैनल स्टार्ट करो कि अगर आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में है। क्योंकि कोई भी अगर ऐसी चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, हम मान लो कोई भी ऐसी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं है तो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाती। ऐसे मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे भी हैं जो स्टार्ट कर लेते हैं बट उनके कमेंट्स जाके देखोगे तो उनमें क्वेश्चंस भरे होते हैं, भाई ये कैसे हो गया रिसर्च। तो क्योंकि अगर रिसर्च लगा के करोगे तभी वो चीज़ एग्जीक्यूट अच्छे से हो पाएगी। तो एक तो यही कि आपको कंटेंट रिसर्च पे अच्छे से ध्यान देना है, फिर इक्विपमेंट पे ध्यान दो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो लगाओ, नहीं तो कोई इतना इशू नहीं है। मेन आपको अपना स्टाइल रखना पड़ेगा, थोड़ा यूनिकनेस लानी जरूरी है। देखो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनसे बेटर करूँ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है लोगों में आजकल पेशेंस या थोड़ी सी कम है, पेशेंस हाँ, रखनी चाहिए उनको। वो चाहते हैं कि अभी चैनल बनाया तो एक महीने में या दो महीने में ही वो 1 लाख फॉलोअर्स हो जाए, 2 लाख फॉलोअर्स हो जाए। तो मुझे लगता है पेशेंस भी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को। वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर सोशल मीडिया की जर्नी में आना ना तो पेशेंस लेके ही आना पड़ेगा। अगर हम कोई भी बिजनेस खड़ा करते हैं, मान लो आज हमने एक दुकान खोली, तो वो दूसरे दिन तो नहीं चलेगी, उसको कुछ महीने लगेंगे। बट यहाँ पे तो ऐसा है कि आपको कोई पता नहीं कितने साल तक वेट करना पड़ जाए और आपको कुछ भी ना मिले, और अर्निंग का तो भूल ही जाओ। मतलब ये है कि अब के टाइम पे चलो ये है कि जब से रील्स और शॉर्ट्स आई हैं तो पहले से काफ़ी इजी हो गया। लेकिन ये मत सोच के हैं कि मतलब दो महीने में ही मुझे महीने का 50,000 1 लाख आना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये रियलिटी है। रियलिटी है, और इसको सस्टेन करना भी फिर एक अपने आप में बड़ा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बिजनेस है मतलब अगर चल पड़ा उसको मेंटेन रखना वो सबसे बड़ी चीज़। सही बात है। कंटेंट रिसर्च पे मैं खुद भी कुछ बातें करना चाहूँगा। हाँ, आपका तो बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है ना आपके कंटेंट के ऊपर। हाँ, जो करते हो हर एक वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है, छोटी 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 चीज़ें होती हैं। काफ़ी बार होता है कि मुझे आपकी वीडियो 2-3 बारी देखनी पड़ती है। अच्छा, इतना आप ज्ञान दे देते हो ना, मतलब 30 सेकंड में इतनी सारी नॉलेज दे देते हो। वो वही ना, देखो हम पता है किस तरह से मैं क्या सोचता हूँ कि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आपको 1 मिनट दे रहा है तो उसका 1 मिनट उसको पता चलना चाहिए, भाई मेरा वर्थ था 1 मिनट इस पर लगा। हाँ, तो वो चीज़ के लिए ना फिर मेरी ट्राई ये रहती है कि आप 1 मिनट के अंदर जितनी चीज़ें बता सकते हो ना। मुझे बहुत लोग बोलते हैं भाई बहुत फास्ट फास्ट बोल जाता है, थोड़ी धीरे बोला कर, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं लोग, पर मेरे को लगता है कि यार 1 मिनट के अंदर जितना ज्ञान दे सकते हो ना दे दो, कि उसका वेस्ट ना जाए वो टाइम। अगर मैं एक गैजेट दिखा रहा हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ 1 मिनट के अंदर 4 या 5 गैजेट्स दिखा दूँ, क्योंकि टाइम कम है तो आप सब कुछ तो उसके बारे में नहीं बता सकते, बट जितना हो सकता है हम करते हैं, बाकी कैप्शन में बताते हैं, मतलब अपनी तरफ से क्लैरिटी पूरी देने की कोशिश करते हैं। अब जैसे इस टाइम पे ना बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं अच्छे लेवल पे, वो भी जो वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, अच्छे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी लेके बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कंटेंट रिसर्च ही नहीं है, मतलब चीज़ें सही नहीं है, बस वीडियोस जो दिख रही हैं वो बना दी इधर उधर से देख के। मतलब मैं खुद देख रहा हूँ कि मेरी वीडियोस बहुत बन रही हैं, वही कंटेंट उठा के अपलोड हो रही हैं, बट एक्चुअल में मतलब हम पता ही होता है हमारे पास ना, हम रिसर्च करते रहते हैं। मान लो हमको कोई टॉपिक मिला कि यार इस पे
कुछ भी हमको मिला, ये टॉपिक है, इस पे ये चीज़ बननी है, किसी ने वीडियो बनाई हुई है, तो हम ऐसा नहीं कि किसी ने वीडियो बनाई है उसको हम रिक्रिएट कर देंगे। हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है रिसर्च में कि भाई ये पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये सही चीज़ है भी या नहीं है। वो वेरिफिकेशन में ही, मान लो कोई गवर्नमेंट स्कीम है या कुछ भी है, तो हमारा उसमें वेरिफिकेशन में कई कई दिन चले जाते हैं कि भाई सही है या नहीं है। चाहे अपनी आईडी उस पर बनाओ, खुद उसको जाके चेक करना है या कैसे करना है, जब तक हमारे लिए वो चीज़ काम नहीं करती हम उस पर वीडियो नहीं बनाते। उतनी देर में, जितनी देर में हम वेरीफाई करते हैं उतनी देर में लोग उस पर वीडियो बना देते हैं कि ये चीज़ तो काम कर रही है, और फिर हम देखते हैं तो काम ही नहीं कर रही है, इस बंदे ने वीडियो कैसे बना दी। ये चीज़ें बहुत हो रही हैं आजकल के टाइम पर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो एक अच्छे लेवल पे है ना, उनको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, क्योंकि आपको इतने लोग देख रहे हैं, आपको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि हमारी वीडियो ये वायरल जाएगी। मतलब हमारे पास बहुत सारे वायरल टॉपिक्स पड़े हैं, आज हम उस पर वीडियो बनाएंगे पता है 10-10 मिलियन व्यूज जाएंगे, पर हम नहीं बना रहे क्योंकि वो चीज़ें काम ही नहीं करती हैं। नहीं, आजकल आपके जैसे जेन्युइन बंदे मुझे लगता है बहुत कम है यार, जो इतना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं कि एक वीडियो के पीछे कुछ भी ऐसा कंटेंट ना चला जाए कि लोगों का नुकसान हो, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान। वही चीज़ ना, कि अगर आप एक लेवल पे हो जहाँ पे आपको इतने लोग देख रहे हैं, तो उनके साथ आप एक, अगर वो ट्रस्ट करके आपको देख रहे हैं तो वो चीज़ उनको सही डिलीवर करो ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी। तो वो मेरे को लगता है सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। तो भी अगर आपके टीम की बात करें, आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? हमारी टीम में अभी कितने बंदे भाई? 1, 2, 3, 4, 5 हम 5-6 लोग वैसे हैं, ठीक है, और 2-3 लोग ऑनलाइन हैं। तो टीम जब स्टार्टिंग करी थी अपने कॉलेज के दिनों में, तब अकेले सारा कुछ करते थे आप? तब तो मैं अकेले था। तो ट्राइपॉड लगा के शूट करते थे? तब तो मेरे को जहाँ जगह मिलती है मैं शूट कर लेता था। मतलब हम फ्लैट में रहते थे, 4-5 लोग रहते थे फ्लैट में, मोहाली पूर्व अपार्टमेंट और वहाँ पे हमारा था 15th फ्लोर, बिल्कुल जो टॉप फ्लोर था, वहाँ पे आसपास कोई था नहीं, खाली, बिल्कुल कोई वो नहीं होता। तो फ्लैट में मैं क्या करता था, कॉलेज खत्म होने से पहले ना मैं रिसेस में आ जाता था घर पे। ओके। क्योंकि तब सारे कॉलेज में होते थे, तब पता था शांति हो गई अंदर, बिल्कुल शोर शराबा नहीं होगा, अपने जाके तब वीडियो बनाने के लिए वहाँ पे जाता, बिना लाइट्स के, इधर से सनलाइट आ रही होती थी, बस वहाँ बैठ के अपना वीडियो बना लेता, ठीक है, कि उनके आने से पहले पहले फटाफट वीडियो बना लो, नहीं तो बाद में शोर होने लग जाएगा। अगर मान लो फ्लैट में शोर है, क्योंकि हम लड़के होते थे तो कुछ ना कुछ चलता रहता था वहाँ पे, ऐसा चलते ही रहता है। फिर मैं क्या करता, ट्राईपॉड उठाता, बाहर कॉरिडोर में जाके रख देता, वहाँ पे खड़े होकर शूट कर लेता है, कुछ ना कुछ ऐसी इस तरह से वीडियोस बनाए हैं स्टार्टिंग में। तो दोस्तों को नहीं कभी बीच में लिया वीडियो में, या दोस्तों को पकड़ाया हो कैमरा, भाई मेरी वीडियो शूट कर दे? एक तो खुद के अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था। मतलब अगर मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा पुराने, तो आपको बहुत डिफरेंस फील होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, ये कैमरा पे बोलना मेरा काम, मतलब इट वॉज नॉट माई थिंग, वो बस मेरे को करना पड़ रहा था। दोस्तों को छोड़ो, मेरे को इवन अपना जब पहली बार मैंने एडिटर रखा ना, वो जैसे मेरे को एक अंदर से फियर था कि यार मैं किसी के सामने कैसे बोल पाऊंगा। अभी तक तो हमेशा अकेले में शूट किया या कुछ किया, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कैमरा के सामने अगर कोई और पकड़ के खड़ा हुआ है तो मेरे को कैसे उसके सामने कैसे। तो आप जैसे आउटडोर्स वगैरह भी काफी ज्यादा शूट करते हो, हाँ जी, तो वहां पर कभी कोई फनी इंसिडेंट हुआ आपके साथ? ऐसा कई बार होता है कि जैसे हम बाहर होते हैं तो कोई ना कोई शूट करते टाइम कोई ना कोई फॉलोअर्स मिल जाते हैं, जाते जाते कोई बाइक पे जा रहा होता है, भाई मैं वीडियो, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं बीच बीच में। अभी जैसे हम शूट कर रहे थे तो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे थे, टेक के बेसिक क्वेश्चंस हमने लोगों से पूछे, 5 क्वेश्चन पूछे, जो आंसर करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा, ऐसे ऐसे हमने कुछ नया बनाने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपके वीडियो देख के हमने अपना आधार कार्ड का ये कराया था और वो चीज़ काम कर गई। तो मतलब ऐसी चीज़ें सुन के अच्छा लगता है, बहुत बार होता है, फनी चीज़ें तो बहुत होती रहती हैं हमारे साथ। अभी बैंक का शूट दिखाना था, तो उसमें एक सैड सीन था कि ये बैंक से बाहर आ रहा था हैरी। हाँ, तो सैड सीन में सामने ग्रिल आ गई, जैसे ऐसे ना दुखी होके आना था बैंक से बाहर, दुखी होके आ तो रहा था बट सामने ग्रिल आ गई, दुखी होके उसने छलांग मार दी ग्रिल के ऊपर से। तो वो बहुत फनी सीन हो गया, था सैड सीन, वो फनी सीन बन गया, बेचारे को अच्छा चोट लग जाती है, आपके लिए फनी हो गया है। तो ऐसी चीजें, भाई मज़ा भी आता है ना फिर ऐसी चीज़ें करने में। कई बार क्या होता है कि पब्लिक, ये चीज़ भी होती है कि हमको जल्दी, मान लो ब्रांड का काम करना है तो हमको जल्दी जल्दी होती है कि भाई फटाफट करना है, लोग चाहे आसपास खड़े हैं, तो उस टाइम है कि भाई काम करो अपना, लोगों से बाद में डील करेंगे, कि अगर पूछ उस देख रहे हैं कि चल क्या रहा है, कि हमको नहीं पता, कोई फॉलो नहीं करते, उनको लग रहा है क्या करने जा रहे हैं, बट हमें अब तो भाई आदत होगी, करने दो जो चल रहा है। कल हमने टायर पंचर वाले की शॉप पे जाके शूट किया। तो हमारे कोई ना कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अब भी अलग अलग करेक्टर्स करते रहते हो ना? हाँ जी, हाँ, हमने इसको सेंटा क्लॉज बना के लेके गए। अच्छा। क्रिसमस का टाइम था, हमने कहा चलो थोड़ा उस वो वाइब होनी चाहिए, तो सेंटा गिफ्ट बांधता था, तो हमने इसको बना दिया घनश्याम को सेंटा क्लॉज। अच्छा। तो वहाँ पे
उनको लगा कि भाई सेंटा क्लॉज ऐसे ही आया हुआ है, तो वहाँ पे शोरूम वाले बुला रहे हैं, भाई सेंटा क्लॉज आजा 100 रुपये ले लेना। अच्छा। और हमारे उसमें आ जा, हमारे थोड़ी सेल बढ़ जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें बहुत मस्त अलग अलग चीजें होती रहती है। तो जितना हम बाहर निकलेंगे, बाहर जाके शूट करेंगे, उतनी ऐसी ऐसी चीजें होंगी। हाँ जी, अगर हम एक जगह पर बैठ के शूट करेंगे फिर ये इंसिडेंट नहीं हो पाएंगे ना, फिर वो किस्से नहीं बनेंगे। सही बात। आपके किस्से बने हुए हैं सोशल मीडिया के अलावा भी आपके कोई बिजनेस है जो आप साथ साथ में कर रहे हो कुछ? फिलहाल तो इसी, अभी तो यही चल रहा है, ठीक है, बट इसके अलावा चल रहा है साथ साथ में एक चीज पे काम। ओके, वो भी रिवील, वो अभी रिवील करेंगे कुछ दिनों में, सरप्राइज होगा। हाँ जी, वो भी इस तरह की चीज है कि उससे हम काफी लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं। नहीं, आपका तो वो कंटेंट देख के पता लगता है कि आप कंटेंट के जरिए भी लोगों की हेल्प ही कर रहे हो। हाँ जी। आप जो बिजनेस भी करोगे उसके जरिए भी आप लोगों की हेल्प ही करोगे। आप दो तरह के कंटेंट बना सकते हो, या तो बस आप फॉर द सेक ऑफ अपलोडिंग कुछ भी अपलोड कर दो और बाद में वो चीज काम करे ना करे, है ना। तो अगर आपको कोई जो फॉलोअर्स है तो असली लोग ही ना, हमारे जैसे ही लोग हैं वो भी, तो अगर कोई आपको सड़क पे मिलेगा बोलेगा भाई मैंने आपकी वीडियो देखी थी उसमें ये चीज़ काम नहीं की, तो आपको वो सुनने को मिलेगा। वहीं पे हमको सुनने को मिलता है भाई आपकी वीडियो देख के मेरी ये चीज़ काम कर गई तो बहुत अच्छा लगा। तो ये ऐसी चीज़ सुन के बहुत खुद को अच्छा लगता है। आपकी भी जो वीडियोज़ होती हैं आप छोटी छोटी चीज़ उसमें बताते हो, एडिटिंग में जो छोटी छोटी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको स्टॉक फुटेज चाहिए, आपको ये चाहिए, तो वो एक काइंड ऑफ स्पून फीडिंग करना, वो चीज़ बहुत काम की होती है। हाँ, वो लोगों को काम में आ जाती है, पता लग जाता है कि ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, जैसे एडिटिंग वगैरह के टिप्स देते हैं हम। हाँ जी, मैं खुद बहुत चीज़ें मतलब आपकी वीडियोस मैंने सेव की हुई है काफ़ी। मैं इनको भेजता हूँ भाई देखो वीडियो। टेकीला भाई हमारी वीडियोस भी देखते हैं। हाँ हाँ, देखनी है। तो जैसे आप टेक वगैरह की वीडियोस बनाते हो, आपके पास गैजेट्स वगैरह बहुत सारे आते होंगे, आपको ब्रांड्स वगैरह काफी अप्रोच करते होंगे चीजें देने के। हाँ जी। तो आपके जो फिर कजन वगैरह होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं यार भाई ये मुझे देते, ये फोन आए ये फोन मुझे देते। वो तो होता ही है, होता है, वो तो होना ही है। मतलब वो तो कोई फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, सब लोग होते हैं भाई ये मेरे लिए रख देना। अगर मैं जीमेल खोल रहा हूँ तो उसमें भी हर दूसरा मेल यही होता है भाई फ़ोन दे दो मेरे को, ये मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। हमने आईफोन का गिव अवे रखा था कुछ टाइम पहले, मेरा मतलब मेल बॉक्स उस टाइम भरा रहता था, हर दो मिनट बाद एक मेल आ रहा है, हर दो मिनट बाद मेल आ रहा है भाई मुझे फ़ोन दे दो, फ़ोन मेरे को दे दो, मेरे को गिव अवे जीतना है, ये करना वो करना। गिव अवे के टाइम पे आप मानोगे नहीं, मेरे को तो चलो मैसेजेस आ ही रहे हैं जो आ रहे हैं, इन सबको प्लस मेरे जितने मेरे से रिलेटेड लोगों को दिखते हैं कि भाई इसकी स्टोरी में कोई आ गया, इसका कोई दोस्त है, कोई फैमिली है, कुछ भी है, सबको मैसेजेस भेज रहे हो। टेकीला भाई को बोलो मेरे को दे दे। मैं कहा यार तो गलती कर ली है कि मेरे के। पर आप तो इतने जेन्युइन तरीके से करते हैं, जिसका नाम लिख लिखा उसी को दोगे ना। बट मुझे ऐसे लगता है कि गिव अवे से ना थोड़े से सिर्फ इस करके आते हैं लोग कि आपको कुछ मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। बट ये चीज़ है, गिव अवे रखने के बाद जो फॉलोअर्स मेरे पास आए उनमें से बहुत सारे तो ऐसे थे जो उनके मैसेजेस या कमेंट्स भी आते थे कि आए तो गिव अवे के लिए थे, अब आपको कंटेंट अच्छा लगने लग गया तो वो देख, तो वो चीज़ देख के फिर लगता है कि चलो ठीक है ये भी बस अच्छा काम हो गया। हाँ जी। और आप जैसे इतना रेगुलर कंटेंट आ रहा है आपका, हर एक दिन बाद एक वीडियो भी आ रही है, मोटिवेशन कहाँ से लाते हो तुम्हें? मैं आप हम सब एक जैसे ही हैं, तो कोई ये तो है नहीं कि हम कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर रहे हैं, फेजेस से चलते रहते हैं। कभी मोटिवेशन बहुत होती है कि यार अब तो ये चीज़ करनी है, तो हम कई बार दिन में तीन तीन चार चार वीडियोज़ भी शूट करते हैं और कि भाई अब तो करना है। कभी कभी एक वीडियो बनाने में भी आलस आता है, तो वो चीज़ ऑन एंड ऑफ रहती है। हाँ जी, सबके साथ ये होता है, है ना। तो अब जैसे अभी क्या टाइम है चल रहा है कि हमारे पास कंटेंट की थोड़ी सी कमी है, अभी हम बिल्कुल उस पर चल रहे हैं टिप पे कि बनेगा तो डलेगा। यूजली हम रहते हैं, ऐसा टाइम भी आता है कि हम एक एक महीना आगे चल रहे हैं। अच्छा, एक एक महीने आगे। हाँ, 30-30 वीडियो आपकी तैयार पड़ी हैं। जैसे आप 15-20 वीडियोज हम ऑलरेडी हम ऐसा भी आया कि करके रखी हुई है, तो वो उस टाइम में मोटिवेशन थी, अभी ज्यादा नहीं है तो हमारा ऐसे चल रहा है, तो ये चीज ऑन एंड ऑफ रहती है। अच्छा, अभी क्या मतलब चल रहा है कि एक वीडियो है वही डलेगी? मतलब ऐसे तो हैं दो चार वीडियो पड़ी होंगी, बट वो इतनी अच्छी वाली नहीं पड़ी कि मतलब बैकअप के लिए हमने कुछ रखी हुए हैं कि कुछ भी ना हुआ तो वो डाल देंगे। ओके। बट वैसे जो अच्छी वीडियोज है वो अभी हमारी बनेगी तो डलेगी, ये चीज चल रही है, वो हो जाता है। बहुत करता मेरा ऐसा, मेरे पास भी हो पूरा मंथ का कैलेंडर बनाओ मेरे पास, पहली तरीक को ये, तीन को ये, पांच को ये। देखो उससे ना एक सिक्योरिटी सी रहती है कि ठीक है आपके पास है, बट ये भी सही है, एक दो वीडियो आगे भी चलना वो भी कोई ठीक है, वो भी सही है, वो भी सही है। बस आपका जब फिक्स है ना कि इस दिन जानी है और इस टाइम पे जानी है, तो उस हिसाब से काम फिर अपने आप ही करना पड़ता है। तो आप ऐसे बनाते हो मंथली कैलेंडर वगैरह? मतलब कर लेते हैं हम, मंथली तो नहीं, वीकली कर लेते हैं, अब अगले हफ्ते में हमने ये चीजें डालनी है, कौन सी डेट को, जब कहीं बाहर जाना होता है ना, जैसे कोई इवेंट पे जाना है तो कुछ दिन बाहर लगने वाले हैं, तो हम प्लान करके जाते हैं कि भाई इस दिन ये जानी है वीडियोस, ट्राई करते हैं कि उसको पहले शेड्यूल कर दें। शेड्यूल नहीं मतलब ड्राफ्ट बना के रख लेता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे,
तो बस उसी टाइम पे साथ के साथ अपलोड की ड्राफ्ट बना पड़ा है, तो वो चीज़ रहती इजी हो जाती है। हाँ जी, जब आपके पास टीम नहीं थी, आप अकेले कर रहे थे, रील्स वगैरह बना रहे थे, शॉर्ट वीडियोस बना रहे थे, स्क्रिप्ट भी बना रहे थे, शूट भी कर रहे थे, एडिट भी कर रहे थे, तो आपको कितना टाइम लग जाता था मतलब सारा कुछ करने में, एक वीडियो बनाने में? देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, रील्स बनानी स्टार्ट की थी जब, तब मैंने भी काइंड ऑफ ऐसे चैलेंज लिया था कि रोज की एक रील डालनी है, 3-4 हज़ार फॉलोअर्स की बात है, तब मैं एक घंटे में एक रील बना देता था, मतलब फिर वो बैठ के बोल के या खड़े होकर? हाँ जी, बस वैसे खड़े होकर सामने कैमरा रख के और विदाउट स्क्रिप्ट, बस विदाउट एडिटिंग भी कोई इसी सॉफ्टवेयर में नहीं, इंस्टाग्राम के खुद के एडिटर में। अब तो इतना अच्छा हो गया, पहले तो अच्छा भी नहीं था, तो बहुत अच्छा हो गया। बस वहाँ पे सामने ऐसे फोन रख के सेल्फी कैमरा में बस इन्फॉर्मेशन दे के और थोड़ी बहुत टेक्स्ट डाल के वीडियो डाल दी। तो ये चीज आपने कितना, 6 महीने की, साल, 1 साल करा ये चीज? मैंने आप मान लो कि 1-1.5 महीना किया होगा, मतलब वीडियोस कुछ रेगुलर अपलोड की, फिर मुझे लगा कि इससे बेटर होना चाहिए, फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट लिखी और करते करते फिर अब प्रॉपर एडिटिंग। तो लोग कहते हैं कि भाई पहले अगर कोई चीज़ करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बाद में कम लगता है, हम तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। जो वीडियो साथ ही उल्टा ही हुआ है जो वीडियो एक घंटे में बनती थी उसको अब 2-2 दिन लग जाते हैं कई बार। सही बात है, सेम ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि पहले एडिटिंग सिंपल होती थी, है ना, सिंपल वीडियो शूट करी, एडिट करी, अभी इतने सारे इफेक्ट्स आ गए कि आजकल एडिटिंग का स्टाइल भी इतना चेंज हो गया है, बहुत कुछ आ गया, साउंड इफेक्ट्स अलग से इंपॉर्टेंट हो गए हैं, हर एक कोई ट्रांजिशन आ रही है उस पर साउंड इफेक्ट चाहिए। सही बात है, ट्रांजिशन भी कितने तरह की आ गई है अब तो, मतलब एक एक चीज प्लान रहती है, कौन सी लाइन कौन सी जगह पे बोलनी है, कौन सी लाइन आउटडोर में आएगा, कौन क्या वॉइस ओवर में आएगा, सब कुछ प्लान रहता है। ओके, एक एक स्क्रिप्ट की एक एक लाइन, एक एक वर्ड प्लान है, सारी टीम बैठ कर प्लान करते हो? हाँ जी, अब ये सब कुछ प्लान के साथ होता है। तो आपके साथ फिर तो ऐसा भी होता होगा कि मतलब हमारे फिर भी आइडिया दिमाग में चल रहे हैं, वो तो चलते खाना खा रहे हो दिमाग में चल रहा अगला कॉन्सेप्ट क्या बनाना है, वो तो चलते रहता है, सोते वक्त सपने भी ऐसे आते होंगे। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, कल जो इलेक्ट्रिशियन है ना यहाँ पे, जैसे अब तो थोड़ा करवाया काम, तो इलेक्ट्रिशियन कहता कि वो भी वीडियोस देखता होगा, तो वो कहता कि मैं ना मेरे घर में ना रेंज नहीं आती। फिर दिमाग में आया कि यार रेंज नहीं आती है तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, तो इस पे चलो रिसर्च करते हैं। मैंने साथ ही साथ भोला पट्टी भाई इस पे रिसर्च करते हैं और इस पे वीडियो बनानी है क्योंकि बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो कॉमन प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम करने की कोशिश करते हैं कि जो आम बंदे की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करें, बस सिंपल सी ये चीज़ है। जो आपको प्रॉब्लम दिख रही है उसके ऊपर रिसर्च करो, अगर वो सॉल्व कर सकते हो तो उसकी हेल्प, उससे हेल्प करो लोगों की। सही बात है, ये चीज़ मुझे भी ऐसा लग रहा है, लोग कहते हैं ना भी यार, मुझे भी लोग कहते थे यार आईफोन ले लिया यार फोटो नहीं अच्छी आती, तो उसको फिर फोटोग्राफी की टिप्स बताते थे वीडियो में, कैमरा के लेंस को साफ करना है, फ्रेम ऐसे बनाना है, एक्सपोजर को कंट्रोल कर लेना है। तो जैमी, अगर मैं आपके ड्रीम की बात करूँ, आप इन फ्यूचर में क्या ड्रीम, आपका क्या सपना क्या है, कुछ बताओ। मेरा सपना क्या है, एक तो मेरा घूमने का है, वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे घूमने का है। सोलो ट्रेवल करते हो वैसे? नहीं, कभी नहीं करा, दोस्त करने नहीं देते। सोलो ट्रैवल पे अगर मैं चला गया तो मेरे दोस्तों ने बोलना भाई क्या ठीक है सब कुछ लाइफ में। तो आपकी वो वीडियो देखी थी मैंने, वो स्काई डाइविंग वाली, आपने प्लेन से जो दुबई में आपने छलांग मारी थी, भाई इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आए थे? वो भी एक मतलब बकेट लिस्ट पे वो चीज़ थी कि कभी कभी करनी है स्काई डाइव, तो फिर मैंने कहा दुबई का प्लान बनाया तो ये चीज़ तो करके आनी है। तो फिर वो मतलब अकेले गए थे कि वहाँ पर भी दो साथ में गए थे, उन्होंने भी स्काई डाइविंग करी? नहीं, मेरा एक फ्रेंड था साथ में। प्लेन में जब बैठ गए सब कुछ, तो क्या था कि एक बार में ना 7-8 लोग होते हैं जिन्होंने एक एक करके छलांग मारनी होती है, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, 1-2-3 बंदों को देखेंगे कि किस तरह से डर कम लगता है, उस तरह छलांग मार देंगे। बाद में मुझे चला कि फर्स्ट में मेरे को ही मारनी थी छलांग, तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया, गया चलो चलो अब तो जाना ही पड़ेगा, अब आए हैं तो बस सीधा घर वाले को बता के गए थे कि मैं ऐसे स्काई डाइविंग करने जा रहा हूँ। मैंने थोड़ा आइडिया दिखाई, मैं बताता हूँ, मैंने आइडिया दे दिया था थोड़ा, मैंने कहा मैं ना एक स्काई डाइव करनी है तो प्लेन से छलांग मारने, कहते हैं प्लेन से छलांग मारनी है, लगा होगा कोई नहीं आपको बताऊंगा, थोड़ा ऐसे आइडिया दे दिया था। बट जिस दिन मैं मारने जा रहा था मैंने कुछ बताया नहीं कि आज मैं छलांग मारूंगा या कुछ होगा, जब हो गया सब कुछ तो मैंने बस बता दिया मैं आज प्लेन से छलांग मार के आया हूँ। उनको वीडियो दिखा के उनको फिक्की हाँ। किया, रिएक्शन किया था उनका, ये क्या कर दिया तूने, ऐसी भी चीज़ करते। फिर मेरे ख्याल से वो सेफ्टी के साथ ही होता है, सेफ्टी के साथ होता है, वो चीज़ पूछी भी थी तो कहता, वो बंदा कहता कि मैंने जो था ट्रेनर था वहाँ का, कहता मैं 4,000 छलांग मार चुका हूँ पहले, तो मैंने कहा ठीक है जब इसको विश्वास है हमको भी ट्रस्ट करके जाना पड़ेगा और तो क्या ही हो सकता है। तो ऐसी कोई अचीवमेंट आपने करी है जो आपने कभी सोचा भी नहीं यार ये भी चीज़ मुझे मिल सकती है, लेकिन वो सोशल मीडिया की वजह से आपने वो चीज़ मिली हो आपको? कभी कोई पहचान गया तो फोटो खिंचवाने लग जाते हैं या कुछ होता है, तो ऐसा लगता है कई बार कि यार हम भी ऐसे नॉर्मल लोगों में ही है ना, यहीं से ये सब कुछ आया और अब कैसे लोग इतने बोल रहे हैं कि आपके साथ फ़ोटो खिंचवानी है, और वो चीज़ बहुत अलग सी होती है, अलग सी फीलिंग होती है ना। जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि कोई फॉलोअर मिलते हैं तो वो उन सेल्फी लेने टाइम उनके हाथ से काम पर होते हैं। मुझे अपना एक बात याद आ गई, मुझे एक बार एक बंदा मिला, वो देख के पहले राज भाई मैं क्या, हाँ मुझे गले लगा के रोने लग गया था लिटरली। अच्छा? मतलब उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, कहता
मेरा काम नहीं चल रहा था, आपके एडिटिंग की वीडियोस देखी, मुझे एडिटिंग से अभी इतना मतलब जॉब मिल गई है, अभी कैमरा ले लिया मैंने। मैं खुद हैरान था, मैं कहा इतना भी मतलब इतना फायदा हो रहा है लोगों को, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वही ना, देखो आपके वीडियोस की वजह से अगर किसी की लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है। सही बात है, किसी का फायदा कर पा रहे हैं। बाकी चीजें तो मटेरियलिस्टिक है, जरूरी है वो भी चीजें, वो चीजों के साथ में ये भी चीजें जरूरी हैं। वो तो है ही है, मटेरियलिस्टिक चीजें तो चलो ठीक है, आती जाती रहती है, वो सब तो होता ही रहता है ना, वो तो कोई भी काम कर लो। बट इस काम से जब आप किसी का फायदा करवा रहे हो, किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो चीज़ तो बड़ी है। अभी तक का कोई सोशल मीडिया पर कोई बैड एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो, कुछ भी ऐसा? आप अपलोड करते हो, उससे धीरे धीरे आपको समझ आता है कि किस तरह का कंटेंट चलता है, किस तरह का नहीं चलता है ना। कभी कभी बंदे को पता ही नहीं होता कि वो क्या अपलोड कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपको पता चलता है कि यार बहुत ध्यान से सोच के चीज़ें अपलोड करनी है। कंटेंट अगर अपलोड करना है तो आपको पहले देखना है कि लोग देखना क्या चाहते हैं। अगर आप उनको कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ दिखा दो, फिर उस पर आपको हेट मिल सकता है, आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ मिल सकती है। वैसे एक दिन में आप कितने घंटे काम करते हो, कुछ जैसे सुबह से 11 बजे से लेकर 6 बजे तक, 8 बजे तक? हमारा ये रहता है 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। उसके बाद फिर एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह करते हो? कोशिश रहती है, रेगुलरिटी थोड़ी सी मुश्किल है मेंटेन करनी, क्योंकि ना कुछ दिन बाद कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, कोई इवेंट आ गया या कुछ हो गया, तो फिर वो रेगुलरिटी नहीं हो पाती। फिर वापस आते तो फिर पेंडिंग काम इतना होता है कि उसको ख़त्म करने के लिए फिर मिस करना पड़ता है, तो इतने अच्छे से हो नहीं पा रहा है। बट अब सोचा है कि प्रॉपर रखना पड़ेगा सब कुछ। आपके बाइसेप्स तो बड़े हो गए, मैंने आपकी वीडियोस में देखा। वो दोबारा सही हो, वैसी हो गए, छोड़ दिया ना बीच में। फिर जब 7-7 बजे आप घर चले जाते हो, फिर वहाँ पर भी जाके काम करते हो कि नहीं? फिर वहाँ पे जाके कोई और काम होता है, कोई जैसे मैनेजर से बात करनी है या और और चीज़ें होती हैं, सीए से बात करनी है, ये सब चीज़ें चलती हैं। सारा दिन काम करते रहते, मतलब काम में निकल टाइम निकल जाता है ज़्यादातर। तो बढ़िया, अगर काम से प्यार हो फिर तो टाइम का नहीं पता लगता। वो तो है, बर्डन नहीं फील होता कभी। हाँ, अच्छा ही लगता है। वही अगर मैं जब जॉब कर रहा था तो वो जो काम था वो एक बर्डन फील हो रहा था, यार ये काम मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। हाँ, ऊपर से ऐसे बैठे रहना। हाँ, इसमें तो किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा, बस बैठ के देख ही जाओ। अगर काम अच्छा है फिर आपका इंटरेस्ट है तो वो हमेशा आपको अच्छा ही फील कराएगा। आप जॉब करो, बिजनेस करो, बस काम इंटरेस्ट का होना चाहिए। तो जैसे आपने भी सुना होगा लोगों की आजकल लत बहुत लग रही है रील्स वगैरह की ना, 8-8 घंटे पता नहीं, मतलब दो तीन घंटे तो आराम से लोग ऐसे वेस्ट कर देते रील्स देखते। आपके साथ कभी ऐसा हो, आपने कभी ऐसे 2-3 घंटे वेस्ट कर दिए हो, कभी ऐसा फील हुआ हो? कभी कभी हो जाता है, बट मैं बहुत कम ऐसे, ज़्यादा स्क्रॉलिंग की मेरे को आदत नहीं है। मतलब अगर करनी है स्क्रॉलिंग तो पता है क्या, मेरा तो क्या है कि मोस्टली टेक वाले ही हैं जो मेरे उसमें है, मैं ज़्यादा और कोई कंटेंट तो देखता नहीं, टेक वगैरह ही देखता हूँ। तो कोई ऐसे ज़्यादा मेरे को आदत नहीं है कि रील्स ही देखते रहो सारा दिन। अगर देखना है तो वो अपने कंटेंट के लिए देखना है या कुछ ऐसी पता चले क्या चल रहा है कि अब जैसे अभी लास वेगास में CES हो रहा है, वो इवेंट होता है सबसे बड़ा टेक का वर्ल्ड में, तो वो इस टाइम चल रहा है, तो वो चीज़ें देखते रहना, मतलब अपने कंटेंट से रिलेटेड ही होता है जो होता है। ज़्यादा मेरे को तो आदत नहीं है ज़्यादा इससे। तो जो लोग आजकल ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं उनको कुछ कहना चाहोगे? उनको सबसे पहले तो अगर आपसे छूट ही नहीं पा रही ये चीज़ें, तो आपके इंस्टाग्राम के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर सब में एक टाइमर लग जाता है। हाँ, वो जिससे आप डिजिटल वेलबींग अपनी सही रख सकते हो, तो वो चीज़ पे ट्राई करो करने की। यही सही बात है, क्योंकि जितने भी मोबाइल ब्रांड्स हैं या सब चाहते हैं कि आप इतना भी उस पे ना टाइम स्पेंड करो कि आपको प्रॉब्लम हो बाद में, तो जितना हो सके तो दूर ही रहो, इससे अच्छा बाकी चीज़ों पे टाइम स्पेंड करो जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करें, सिर्फ एंटरटेनमेंट करके भी क्या हो। सही बात है, जहाँ से वैल्यू मिल रही है वो चीज़ देखो। सही बात, और सारा दिन एंजॉयमेंट करिए, यानी मस्ती मजाक वाली चीज़ें देखते रहनी, इससे अच्छा वही घर वालों के साथ बैठ के बातें करो, वो ज़्यादा अच्छा है। वो ज़्यादा अच्छा है, पार्क में चले जाओ, पार्क में जाके खेलो, बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो। सही बात है। अब खेलते वैसे कोई गेम फेवरेट आपकी? मैं बास्केटबॉल पहले बहुत खेलता था, बट अब वो बहुत पुरानी बात होगी, अब तो मेरा सारा टाइम ही आ जाता है, सारा टाइम अब बस काम में जाता है। पर ये भी हमारा जैसे आउटडोर शूट करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हंसी मजाक हो गया, ये हो गया, मजा ही आता है काम। अगर हमारी ऑडियंस जो भी 18-20 साल की है, तो अगर आप उनको कुछ 3 ऐसी स्किल्स बताना चाहो जो आज के टाइम में बहुत रेलिवेंट है, जो 3 स्किल्स सीख के वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। सोशल मीडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, कि हर बंदे को ही थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए है ना, कि तो एक तो एडिटिंग मेरे को लगता है थोड़ी बेसिक तो आनी चाहिए सबको, चाहे वो एडिटिंग बहुत जरूरी हो चुकी है, वो फोन में कर लो, बट हल्की फुल्की एडिटिंग तो सबको आनी ही चाहिए, जिससे क्या है कि आपको अपना, चाहे आप कोई और बिजनेस भी कर रहे हो तो आप उस अपनी एटलीस्ट वीडियोस थोड़ी बहुत उसकी तैयार करके। अब तो फोन के इतनी अच्छी ऐप्स आ गई है, VN ऐप आ गई, इनशॉट ऐप आ गई। हाँ जी, आपको तो पता ही है सब कुछ कैसे होता है। हमारा VN का कोर्स भी है, किसी ने नहीं देखा, देखना देखना जाके। किसी का कोई नॉर्मल भी कोई बिजनेस है या कोई काम है तो वो
अब कहीं ना कहीं दिखाएगा तो लोग देखेंगे, रील्स और शॉर्ट्स तो आज ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रीच आपको बहुत अच्छी देता है. डेफिनेटली. तो एडिटिंग वाली चीज होगी, कैमरा फेसिंग मुझे लगता है आज के टाइम पे थोड़ी इंपॉर्टेंट है. राइट. है ना, कैमरा पे बोलना सीखना सही है. मतलब मेन तो इसी चीज, यही स्किल है. मतलब एक वीडियो बनाने के लिए जो जो स्किल्स चाहिए कि आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग, कैमरा फेस करना आना चाहिए, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, बाकी तो उसमें कंटेंट बनाओ ही. जो मतलब आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है. वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ये एक ऐसी स्किल है जो अब सबको आनी चाहिए. अभी गाइस आप लोग मुझे ना काफी सारे कमेंट्स करते हो, मैं भाई को पढ़वाना चाहूंगा आप लोगों के कमेंट्स. मतलब आपको जो कमेंट्स आते हैं? हाँ, जो मुझे कमेंट्स आए हैं. अच्छा. मुझे कमेंट्स आए हैं आप लोगों के, जो मैं चाहता हूँ जो भी पढ़े एस इधर इधर. ठीक है. अरे वाह, थोड़े से हैं, 5-7 ही हैं. ठीक है, ऊंची बोल के पढ़ो. मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा टेकिला ही है कोई फिल्टर यूज किया हुआ, बट ये तो अलग है. आप उनके बड़े भैया हो क्या? हो सकता है. लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी आवाज शायद सेम है, हमारे बोलने का तरीका शायद सेम है. टेकिला के ब्रदर लगते हो. मुझे भी ऐसे आए हैं कुछ कमेंट्स, भाई आप टेकिला के भाई हो क्या? आपकी आवाज टेकिला शॉट जैसी है, आप टेकिला की आवाज में क्यों बोल रहे हो? पाजी और वॉइस मैचेस जस्ट लाइक टेकिला. वाह, इतने सारे कमेंट्स. टेकिला वाले हो क्या? टेकिला वाले हो क्या? आप टेकिला के भाई हैं क्या? सेम कैरेक्टर मोशन. वाह, सबने बोल रखा है. इतने नहीं, मेरे को मतलब लोग नोटिस कर रहे हैं. तो मैंने ना स्क्रीनशॉट ले लिया था, मैंने कहा किसी ने किसी ने तो मिलूंगा भाई से. अमुक त्यागी ने लिखा है आपकी और टेकिला भाई की आवाज और स्माइल सेम है. स्माइल भी सेम हमारी. अब टेकिला के रिश्तेदार हो. टेकिला जब बड़ा होगा तो ऐसा लगेगा. सही में कुछ मैचिंग तो है किसी चीज की, तभी लोगों को लगता है. हाँ, इतने सारे क्या, इतने क्या लगता है वैसे? आप लोगों को लगता है किसी को आवाज से मिला रहा है कि एक्सेंट से मिला रहा है? आवाज और एक्सेंट थोड़ा इमोशन भी मतलब डिलीवर करने का, कंटेंट डिलीवर करने का. तो मतलब जो हमारे में सिमिलैरिटीज ये है कि एक तो आवाज हमारी थोड़ी सी शायद बेस वाली आवाज है दोनों की. फिर एक्सेंट दोनों पंजाबी हैं तो थोड़ा बहुत एक्सेंट से मिलकर आ जाता है. हाँ, थोड़ी पंजाबी टोन मिक्स हो जाते हैं हिंदी में. और दोनों स्माइल करके वीडियोस बनाते हैं. स्माइल करके वीडियोस. तो ये चीजों की वजह से लोगों को लगता है कि हम रिश्तेदार हैं आपस में, भाई 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 हैं. नहीं, वैसे हम अपना भाई है यार. भाई है वैसे भी. हाँ, अब आप लोगों के डाउट सॉल्व हो गए होंगे जो इतने सारे कॉमेंट्स आते हैं. सही बात है. तो भाई कैसा लगा हमारे साथ पॉडकास्ट करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. अरे जब आपका मैसेज आया ना कि मेरे को आना है, तो मैं तो तभी बहुत एक्साइटेड हो गया था. मैं क्या, बस अब तो राज भाई आएंगे. तो मैंने इसीलिए, हमारा पुराना स्टूडियो था वहाँ पे तो अच्छे से हो भी नहीं पाता था, तो मुझे था कि जैसे ही हम शिफ्ट करेंगे सबसे पहले काम ही ये करना है कि पॉडकास्ट करना है हमको. मेरी एक्साइटमेंट तो डबल हो गई थी, एक तो आपसे मिलना था, ऊपर से नया स्टूडियो. हाँ जी. तो बस हमारी भी वैसी एक्साइटमेंट हमको भी पूरी थी कि भाई राज भाई ने आना है, और इनको भी थी पूरी. क्या बात है जी, थैंक यू सो मच जी. एंड गाइस आप लोगों को भी बहुत सारा मजा आया होगा हमारा पॉडकास्ट सुन के, हमारी बातें सुन के. काफ़ी कुछ नया अच्छा देखने को सीखने को मिला होगा, भाई से बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिला होगा. एंड ऐसी और चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं. बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में. ओके गाइस, चलो. ओके जी, बाय बाय. ओके बाय बाय. वाओ.